एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रियंका शिखा, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो अगेन आई एम हियर विद माय न्यू YouTube वीडियो। भाई इतना ड्राई मौसम चल रहा है आजकल, आपको पता है सर्दियां आ गई हैं, हल्की हल्की वाली, अभी एक्चुअल सर्दी आई नहीं है लेकिन अभी से सर्दी लगना शुरू हो गई है। आई नो मेरे कपड़ों से नहीं लग रहा होगा लेकिन यार तो सर्दी लग रही है। खैर खैर ये बातें तो होती रहेगी। भाई आज की जो वीडियो ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं, लेकिन कहाँ वो आप लोग को ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी जाके हमें बैग्स निकालने हैं और फिर चलना है। हाँ है मेरा स्टोर रूम। वैसे मैंने अब तक आप लोगों को जो है वो होम टूर नहीं दिया है, बहुत जल्द मैं होम टूर दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ स्टोर रूम है और कहाँ क्या क्या है। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा पीछे जितना भी फैलावा हुआ हुआ है, वो आपको पता है स्टोर रूम में कैसी रहता है। या आपको जल्दी से बैग निकाल दें, आप जाना इनको होता है काम, मेरा बढ़ जाता है। वेरी फनी, आप बैग निकालें। भाइयों से काम नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। शाबाश, चलो ये नीचे लेके चलो, भारी हो रहा है तीन चार बैग। चलो ये नीचे लेके जा रही हूँ, चलो फौरन उठाओ यार। कितने बैग लेके जाओगे? तीन चार। एक बैग लेके जाऊंगी, दादा फ्री नहीं हो, हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। चलिए जाऊँ, ये तो चाहता मैं हमेशा के लिए चले जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए जाने वाली हूँ नहीं, वो सिर्फ मैं एक ही दफा जाऊंगी बहुत जल्द। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो बेटा, नाटक नाटक नहीं करो। ये हमारे मोटू भाई, वेरी बैग्स वगैरह जो है वो निकल चुके हैं और यहाँ पे मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे सारे कपड़े निकाल रहे हैं। गुड जॉब है, छोटा चुचुंदर कहाँ बैठ गया? इसने बोला कि ना रवि का नाम अलमारी में घुसो, तो अलमारी में घुसा दिया मैंने। वेरी फनी। वैसे भी किसी को हंसी नहीं आई यार, ये ना समझ आपको नहीं आई, लेकिन फैंस को आ गई नहीं आई आप लोग को हंसी। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं, खुला मिल जाए निकाल लीजिए। कपड़े निकल चुके हैं सारे। नहीं आप पता क्या बात है, ये तो गेम शो में एक बार चेक का ड्रेस पहना था और एक गेम आपको पता है मैंने गेम शो में पहना था, वो तो लोग बताएंगे ना कि मैंने कब कब पहना था। ये भी एक किसी शो में पहना था, ये जब पहना था जब रवि का इस्लामाबाद गई थी, ये एक शापोच है, ये भी कुछ है, अब एक है ये रखना है रवि का। ये तो वही है ना जो तुम्हारी अच्छा क्या क्या बोला तूने पहले, क्या बोला? चल तो सर्दी होगी ना, सर्दी होगी तो ये पहनूंगी मैं अपनी बीवी को पहनाना। आप पहना चुके हो, चलो चलो फौरन उठा लो सारे कपड़े, चलो लेके चलो ना। अब ये भी रखना कुछ चमक थमक। भाई इनमें से मुझे कुछ भी नहीं रखना मेरी शादी। ये चमक ये चमक इसमें से ना, इसमें से मैं सोच रहा हूँ एक व्लॉग होना चाहिए इन चमक धमक के साथ, ये कलर ये कलर ये कलर ये कलर। इसी टाइम से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वार्डरोब पार्ट थ्री लेके आए, तो भाई ये मेरे कुछ कपड़े रह गए, वार्डरोब पार्ट थ्री में मैं दिखाऊंगी। ठीक है, डन डन डन, लेट्स गो। तो इस बड़े वाले बैग में अपने कोट्स वगैरह रखूंगी क्योंकि वो आपको पता है बड़े-बड़े होते हैं साइज में, बाकी इस छोटे बैग में मैं ये बच्चे ना हो तुम्हारा काम भी ना हो। जल्दी से आप ये कोट रख दे जी, सब रखने। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे घर में भैया और बाबा दोनों ऐसे हैं जो कि बैग इतने सलीके से बनाते हैं और इतने अच्छे से बनाते हैं कि मतलब एक तो इतनी सारी जगह बचती भी है और सारे कपड़े आ भी जाते हैं, इसलिए मैं भैया से बनवाती हूँ। बाबा से तो नहीं बनवा सकती ना यार, ये मुझ पे अच्छा लग रहा है, छोड़ो मैं पहनूं। भैया यार तुम पहनोगे ये लूज हो जाएगा। अगर फटा होगा ना, और अगर फटा होगा ना तो मैं बताऊंगी मैं। वो लग रहे हो तो माइकल जैक्सन।
सस्ते में दिखाए माइकल जैक्सन सस्ते में सस्ता वाला माइकल जैक्सन रियल वाला तो है ही नहीं हो ये है कौन माइकल जैक्सन ओ ओ ये जैकेट रखनी है पार्टी बाय नाइट की लव का सिग्नल ग्रीन है ओ हाँ पार्टी बाय नाइट से याद आया पार्टी बाय नाइट के 9 मिलियन हो चुके हैं थैंक यू सो मच गाइस इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता लेकिन आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल हो मुन्ना भाई लव का सिग्नल ग्रीन है लगे रहो मुन्ना भाई यार ये नहीं बता रहा था भैया देखो उसने बात बात में बता दिया नहीं अब लोगों को पता नहीं कि किसने नहीं भी सुना होगा नहीं सुना था आप कमेंट सेक्शन में अगर आपने सुन लिया है तो हम कहां जो हेडफोन लगा के सुन रहा उनका आवाज आ गई होगी वेरी फनी ये कोट बनी कितने कोट है तुम्हारे भाई माफी ये गाय का खा के गाय मेरे सारे अच्छे अच्छे वाले कोट ये गाय गाय का खा ये मैं नया लेके आई थी रेड वाला गाय आप लोग यार लाया गाय की खा लो देख रहे हो नाइस वेरी नाइस ये बहुत प्यारा है ये मैं अभी लेके आई थी अच्छा लग रहा है ये वो लग रहा है मिस्टर बी सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई लड़की वायरल हुई है मुझे इसके बारे में नहीं पता था मुझे बताया वन एंड ओनली खुर्रम हसन खान ने कि एक लड़की है जो कि डांस करती हुई वायरल हुई है और वो डांस कैसा क्या है वो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ चलिए खुर्रम साहब डांस करके दिखाएं ऐसे मैं सोची थी अगर मैं डेली व्लॉगिंग करने आ जाऊँ तो ये जो मेरे नमूने भाई हैं ये तो मुझे व्लॉगिंग करने ही नहीं देंगे इतना इनका हंसी मजाक चलता रहता है सर का दर्द हो जाता है लेकिन मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि अगर आप लोग चाहते हैं मेरे भाइयों की ये आपको सस्ती कॉमेडी पसंद आती है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो क्या पता मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूँ क्या कहते हैं सर या, या। तुम क्यों रोने लग गए भाई नखरे तो अभी से स्टार्ट है इनके भाई आज मुझे जाना था हमारे घर एंड टाइम पे मेहमान आए हैं अब मेहमान कौन है ये छोटे पिंपल साहब आए हैं पता नहीं क्यों मदीना मैम ने भी मुझे यही बोला था छोटी बच्ची हो क्या पता नहीं क्या बच्ची हो क्या इधर आओ इधर तो मैं सर्कस में बुलवाऊं हाँ तुम फिर से बोल बोलो फिर से बोल बोलो जोकर हमारे साथ है आप ये जोकर छोटे जोकर बोलो क्या बोलूं छोटी बच्ची हो क्या खैर एनीवेज पता नहीं क्यों ये हर लड़की के साथ होता है उनको जब भी कहीं ना कहीं जाना होता है ये पिंपल साहब जो है वो कहीं ना कहीं निकल आते हैं जल्दी से पैकिंग कर ले भाई ये कपड़े तय करने वाला काम ना कपड़े तय करना तो सिंपल टी शर्ट या पैंट घर भी ले ये थे मोटे मोटे कपड़े और उनको सीधा करना पड़ेगा फिर इस्त्री करना पड़ेगा भैया मेरे और भी कोट्स हैं जो कि ऊपर रखे और कौन अब मैं तो जान ही रहा था तुम्हारे कपड़े कैसे इस्त्री इस्त्री की जरूरत है भी फॉर खान इन्फॉर्मेशन भैया हम क्या रखते हैं कि लोगों को पता हो कि हम कहां जा रहे हैं जरी ने दिल हिंट दे दी तो पता लग ही गया होगा पर जिसको कोई अकलमंद होगा भैया अगर हमने ये बात हमने वैसे कर दी है लोग जो है वो पीछे कर करके देखो कोट्स वाली पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है भैया ये वाली तो मैं जैकेट ऐसी रख रही हूँ एहतियातन क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है तो इतनी ज्यादा नीड होगी नहीं इसकी लेकिन फिर भी एहतियातन इसको उठाओ यहाँ पे भैया और भी तो सामान आएगा हाँ जाइए को सेट करो सेट हो गया हाथ नहीं जा रहा हाँ। इसको सही से टाइटन लगाओ इसके अंदर ग्लव्स भी रखे जाएंगे ना हाँ ग्लव्स एंड सॉक्स तुम नहीं ले भैया वैसे मैंने तुम्हारा रूम तो रिवील कर दिया है लेकिन अभी रूम में बहुत सारे चेंजेस करने वाला हूँ मुझे रूम टूर बनाना है दैट्स व्हाई भाई मैं होम टूर बहुत जल्द लाने वाली हूँ आप लोग प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लीजिए बहुत सारी चीजें जो कि इनकम्प्लीट हैं बट मैंने सोचा है कि वो इनकम्प्लीट अभी फिलहाल है तो उनको इनकम्प्लीट ही रहने देते हैं चीज कंप्लीट हो चुकी है उसका ही मैं हाफ होम टूर बना लेती हूँ तो आप लोग क्या कहते हैं आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता दीजिएगा सो वी आर डन विद द पैकिंग इतना भारी क्यों हो गया ये बैग
क्योंकि लड़कियों के कपड़े तो ऑब्वियसली बाहर तो हो गए। और विंटर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ओ हाँ गुड आइडिया, बात बात में से अच्छा आइडिया, मैं बनाऊंगी विंटर कलेक्शन, क्या कहते हो? इंशाल्लाह डन 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 डन। और विंटर शॉपिंग, विंटर शॉपिंग, विंटर कलेक्शन और विंटर मेकअप लुक, ये तीन ब्लॉग्स तो फाइनल है, फाइनल। अब मैंने दो वीडियोस का और भी आइडिया सोचा और मेरे फैंस ने भी बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं, सो सून मैं उसको वर्क करूंगी। सो डोंट वरी गाइस, पैकिंग जो है मेरी हाफ डन हुई है, अभी बहुत सारी पैकिंग जो है वो रहती है। आप लोग पता है लड़कियों की कितनी भी पैकिंग कर लो कुछ ना कुछ रहा ही जाता है, मेकअप रहता है, ज्वेलरी रहती है, एक्सेसरीज रहती है, पता नहीं क्या क्या रहता है, शूज हील्स भी रहती हैं। अगर मैं सब आप लोगों को दिखाने बैठ गई तो आप लोग को पता है व्लॉग जो है वो कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, सो आई डोंट वांट कि इतना लंबा व्लॉग हो। बट मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, सब आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। प्यार प्रसाद जी, इस वाले व्लॉग को बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।